ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स इन ह्यूमन न्यूट्रिशन. फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट. तो आज बात करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में. शुरू करते हैं. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर पॉलिटिकल. बहुत बहुत स्वागत है आपका. आई होप आप लोग अच्छे होंगे. तो हम लेके आए हैं एक बहुत ही खास सीरीज़, जिसमें हम बात करने वाले हैं उन सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं. कई बार होता है हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं और हमें लगता है ये टॉपिक सिर्फ स्पेसिफिकली हमें पढ़ना है, हमें पूरा चैप्टर पे नहीं जाना है, तो हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि कहाँ से पढ़ें. तो उसी के लिए सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सीरीज़ लेके आए हैं, जिसमें आप स्पेसिफिक टॉपिक को और यू नो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होकर उसे पढ़ सकते हैं. तो इस चीज़ को हम स्टार्ट करेंगे, रोल्स ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप इन ह्यूमन न्यूट्रिशन. तो आज हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत क्वेश्चन आते हैं, और सिर्फ क्वेश्चन स्पेसिफिक पोर्शन को ही मैंने लिया है इस वीडियो में. तो कार्बोहाइड्रेट को हम जैसे कि जानते हैं दो पार्ट्स करेंगे. तो पहला है सिंपल और कॉम्प्लेक्स. तो कार्बोहाइड्रेट दो टाइप के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स. सिंपल में आपका आ गया मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड, और कॉम्प्लेक्स में आ गया पॉलीसैकेराइड. सैकेराइड मींस मोनोसैकेराइड, मतलब सबसे छोटा फॉर्म कार्बोहाइड्रेट का जिससे हम ये तुरंत एनर्जी मिल सके. तो उसमें कौन कौन आते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज. सैकेराइड में माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, और पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, फाइबर्स, ग्लाइकोजन. ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन बहुत ही बनते हैं, इनसे कि आप मोनोसैकेराइड कौन सा है, डाइसैकेराइड कौन सा है. तो आपको ये याद करना है GFG. ठीक है, दिस इज़ अ ट्रिक GFG, इसमें आप ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज आपको याद हो जाएंगे. और पॉलीसैकेराइड में क्या है कि बहुत सारी यूनिट्स होती हैं मोनोसैकेराइड की. तो स्टार्च, फाइबर, ग्लाइकोजन, हमने इनके बारे में बहुत बार सुना है, तो हम इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं. और डाइसैकेराइड में आ गया माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज. डाइसैकेराइड को आप कैसे याद रख सकते हैं, मैं लाल सिंह चड्डा. तो M से माल्टोज, L से लैक्टोज, S से सुक्रोज, और चड्डा मतलब डाइसैकेराइड. अब हम बात करते हैं कि जो हॉर्टिकल्चर स्पेसिफिक हमारा वीडियो है, तो उसमें ज़रूरी है कि हम ये देख लें कि कार्बोहाइड्रेट हॉर्टिकल्चर प्रोस्पेक्टिव से किसमें ज़्यादा होते हैं. बात करें वेजिटेबल की, तो टैपियोका में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, उसके बाद स्वीट पोटैटो, उसके बाद पोटैटो. तो टैपियोका में कितना कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, 38%. ये पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है. उसके बाद स्वीट पोटैटो 28% एंड देन पोटैटो 22%. सो पोटैटो इज़ रियली रिच इन कार्बोहाइड्रेट. नाउ यू हैव अंडरस्टैंड. तो हम साथ में याद करते चलेंगे. उसके बाद आता है कि जो दूसरा प्रश्न बनता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में, वो ये है कि सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस फ्रूट में पाया जाता है. तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम मैंगो और इन सब में सोचने लगते हैं. लेकिन जब हम बात कर रहे हैं फ्रूट की, तो उसमें ड्राई फ्रूट्स भी आते हैं, ये हमें नहीं भूलना चाहिए. और सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है रेजिन्स में, जो हम रोज़ खाते हैं. किशमिश बहुत मीठी होती हैं, तो कार्बोहाइड्रेट भी किशमिश में सबसे ज़्यादा होता है. उसके बाद अगर ऑप्शन में किशमिश ना हो, तो आप डेट पाम लगा सकते हैं, और उसके बाद वॉलनट. याद रखना है, कई बार बच्चे डेट पाम, क्योंकि हम बहुत यूज़ करते हैं, तो डेट पाम पहले ही लगा देते हैं. लेकिन पहले नंबर पे है रेजिन्स, विच इज़ 72%. ओके, और उसके बाद वॉलनट आता है थर्ड नंबर पे आपका. तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा. अगर आपको और भी इस तरह की वीडियो चाहिए इस सीरीज़ में, तो ज़रूर कॉमेंट करें, और कोई क्वेश्चन हो तो उसे भी कमेंट करें. आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा. सो